नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच बेहतरीन शेयर्स के बारे में जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देगा। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन साथ साथ बता दें ये थोड़े स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें रिस्क आपको ज़्यादा रहता है। जब आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जो ब्लू चिप कंपनी है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसमें बाय एंड फॉरगेट, मतलब अगर आप लोअर लेवल पर बाय करते हैं या अपर लेवल पर भी बाय करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं ब्लू चिप कंपनियों में, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न ही देंगे अगर ब्लू चिप कंपनी आपका सेक्टर लीडर है। लेकिन दोस्तों जो ये सारे स्टॉक्स हैं थोड़े रिस्की स्टॉक्स हैं, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कोई भी गड़बड़ी करता है समझ जाइए कि स्टॉक काफ़ी क्रैश हो सकता है। चाहे कोई भी कंपनी हो तो इन्वेस्टमेंट में ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी कंपनियाँ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छी है, जिसका हम अलग अलग वीडियो पाँच वीडियो बनाएंगे जिसमें कंपनी के बिजनेस क्या करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे। इसमें पाँच शेयर जानते हैं और वो किस तरह का रिटर्न दिया है, उसका चार्ट कैसा दिखता है, इन बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारा एसपीवी ग्लोबल वेंचर लिमिटेड, ये जो है कंपनी स्टॉक को स्प्लिट किया, नहीं तो काफी महंगे से हुआ करते थे। तो और ये स्टॉक देखेंगे तो आप काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। वन मंथ में देखिएगा, वन मंथ में लगभग फ्लैट ही है, कुछ खास रिटर्न नहीं है। एयरटेल डेट में देखिएगा तो पॉजिटिव रिटर्न, एयरटेल डेट में देख लिए 34%, मतलब जो 1 जनवरी है वहां से लेकर के अभी तक में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक साल में बात करें तो 102% का रिटर्न, एक साल में भी पॉजिटिव रिटर्न। 5 ईयर्स में देखिएगा तो 5 ईयर्स में भी पॉजिटिव रिटर्न, 2000% का रिटर्न है 5 ईयर्स में, 2000% से भी अधिक का। अगर बात करें 2005 से लेकर अभी तक, मतलब पिछले 15 साल में 76,000% का रिटर्न दिया है, 76,000% का रिटर्न। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है। तो इसी तरह के मल्टी बैगर शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, और देखिए ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने में वही थोड़ा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा। मार्केट में जब गिरावट आता है, इस स्टॉक में जब करेक्शन होगा, हमेशा जो कोई स्टॉक रैली करता है तो उसमें एक करेक्शन मोड होता है। देख सकते हैं यहाँ ये ज़बरदस्त रैली किया था, यहाँ पर आप देख लीजिए 2015 से लेकर के 2018 तक, तो 2018 के बाद ये करेक्शन मोड में था लगभग मई 2020 तक, तो इतना लंबे समय तक ये करेक्शन मोड में रहा, फिर रैली किया तो ज़बरदस्त रैली हुआ, और यहाँ थोड़ा सा फिर करेक्ट होगा और फिर यहाँ से रैली करेगा। जो कि हम टेक्निकल चार्ट जब मूविंग एवरेज के साथ आप देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तो मूविंग एवरेज में जब 20 SMA, 5 SMA, 200 SMA सब के नीचे आ जाए तो समझिए करेक्शन लगभग पूरा हो चुका, अगर कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो। क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ी होता है तो फिर वो स्टॉक ऊपर नहीं जाने वाला, वो नीचे ही आते जाएगा, तो फंडामेंटल्स पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला हमारा शेयर है एजिस लॉजिस्टिक, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है। अभी करंट प्राइस देख लीजिए 295 रुपीज़ 10 पैसा है, और ये भी शेयर काफ़ी बेहतरीन है। अगर एक मंथ में देखिएगा, एक वन मंथ पे भी पॉजिटिव रिटर्न, अब 15% का लगभग रिटर्न है। सिक्स मंथ में देखिएगा, 6 मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, 45% का लगभग रिटर्न है। वहीं एयरटेल डेट में देखिएगा, एयरटेल डेट में भी लगभग पॉजिटिव रिटर्न है, 15% का रिटर्न है। वन ईयर में कहिएगा तो वन ईयर में भी पॉजिटिव रिटर्न है, वन ईयर में भी देख लीजिए पॉजिटिव रिटर्न 30% का रिटर्न है। फाइव ईयर्स में इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न है, फाइव ईयर्स में देख लीजिएगा 244% का रिटर्न है फाइव ईयर्स में। मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी ये इसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देखेगा। देखिए 2020 से अभी तक का रिटर्न देखते हैं, 57,000% का रिटर्न, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, 57,000% का रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हमेशा जब रैली होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का रैली हुआ था, तो यहाँ से स्टॉक काफ़ी करेक्शन मोड में आ चुका था 2018 के बाद, और यहाँ पैंडमिक में जो गिरावट आया था इसमें काफ़ी नीचे ये स्टॉक आ चुका था 137 रुपया तक। तो देख सकते हैं इतना बड़ा करेक्शन होता है, 300 रुपीज़ से डायरेक्ट जो है 130 रुपीज़ तक आ जाता है। तो याद रखना 52 वीक लो मात्र 107 है, और 52 वीक हाई 300 से एबव है। इसी तरह के जो कंपनियां होती हैं, जो सॉलिड कंपनी है, जब गिरावट मिलता है तो उस समय इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद अगला है हमारा TTK प्रेस्टीज लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और इसका भी रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी सॉलिड है। अभी करेंट प्राइस 6,055 रुपीज़ है, काफ़ी महंगा शेयर है, लेकिन अच्छे शेयर आपको जनरली महंगे ही मिलेंगे। वन ईयर में वन मंथ में निगेटिव रिटर्न है, वन मंथ में 2% डाउन है। सिक्स मंथ में देखिएगा तो सिक्स मंथ में इसका रिटर्न है 10% का पॉजिटिव रिटर्न। एयरटेल डेट में देखिएगा, मतलब 1 जनवरी से, तो अभी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहा है, निगेटिव भी दे रहा है 2% से एबव का। वहीं बात करें वन ईयर में, तो वन ईयर में कंपनी का जो रिटर्न है लगभग 6% है, तो वन ईयर में 6%। फाइव ईयर्स में देख लीजिए, फाइव ईयर्स में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी सॉलिड है, 75% का पॉजिटिव रिटर्न।
वही मैक्सिमम ईयर में बात करें तो मैक्सिमम ईयर में देख लीजिए 2020 से अभी तक में 2001 से 35,000% का रिटर्न। तो 2001 से अभी तक में 35,000% का रिटर्न है जो कि काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। तो देखा आपने कितना बेहतरीन और कितना सॉलिड रिटर्न है इन सारे स्टॉक्स का। उसके बाद अगला जो स्टॉक है हमारा हॉकिंस कुकर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। करेंट प्राइस है 5,680 रुपीज़ और ये स्टॉक लगभग 49 रुपीज़ डाउन है। अगर इसके रिटर्न की बात करें वन मंथ में देख लीजिए, वन मंथ में निगेटिव रिटर्न है, वन मंथ में ये 4% डाउन है। सिक्स मंथ में देखिएगा तो सिक्स मंथ में ये स्टॉक देख लीजिए कितना डाउन है, सिक्स मंथ में पॉजिटिव रिटर्न लगभग 20% का। तो सिक्स मंथ में पॉजिटिव रिटर्न ये अभी लगभग वन मंथ से ही ज़्यादा हुआ है, तो एयरटेल डेट में देखने कुछ खास फर्क नहीं है। वन ईयर में 18% का पॉजिटिव रिटर्न, फाइव ईयर्स में देखिएगा तो उसमें भी पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने मिलेगा 124% का। मैक्सिमम ईयर बात करें मैक्सिमम ईयर में काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। अगर आप देखिए 2020 से अभी तक का देखें तो 2020 अभी तक का रिटर्न 14,000% का रिटर्न, तो एक मल्टीबैगर रिटर्न है, काफ़ी बेहतरीन मल्टीबैगर रिटर्न है। तो इसी तरह के मल्टीबैगर रिटर्न ये आपको आने वाले समय में भी देंगे, क्योंकि जो हॉकिंस कुकर है इसके जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मतलब यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो हर दिन यूज होने वाले हैं, हमारे लाइफ स्टाइल में डेली यूज होता है। तो ये सारी कंपनियों का जो प्रोडक्ट है काफ़ी इवर ग्रीन है और कंपनी अभी स्मॉल कैप है, मिड कैप कंपनी है ये सारे, तो आगे भी आपको अच्छे खासे रिटर्न देंगे। उसके बाद अगला है श्री जगदम्मा पॉलीमर्स लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अभी करेंट प्राइस है 562 रुपीज़ और 11 रुपीज़ ये डाउन है। अगर वन मंथ के रिटर्न की बात करें तो वन मंथ में देख लीजिए डाउन है, वन मंथ में लगभग ये 14% डाउन है। सिक्स मंथ में देख लीजिए, सिक्स मंथ में भी ये लगभग मतलब सिक्स मंथ में पॉजिटिव रिटर्न दिया है लगभग 165% का पॉजिटिव रिटर्न, जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है। उसके बाद अगला है हमारा वन ईयर का रिटर्न, तो वन ईयर में 146% का रिटर्न जो कि काफ़ी सॉलिड है। फाइव ईयर्स में बात करें फाइव ईयर्स में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 1465% का रिटर्न, तो काफ़ी सॉलिड है। मैक्सिमम ईयर बात करें मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया इस कंपनी ने, देख लीजिए 19,000% का रिटर्न, तो 19,000% का रिटर्न दिया है जो कि काफ़ी सॉलिड काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में भी काफ़ी देख ना यहाँ से पहले रैली हुआ था तो काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन फेज में भी रहा। 2018 से कंपनी लगातार कंसोलिडेट करता रहा, 2020 के जुलाई तक कंसोलिडेट हुआ। देखते हैं यहाँ पर मात्र 109 रुपीज़ 52 वीक लो है, जबकि हाई है 756 रुपीज़। अगर अभी 700 पे ये स्टॉक रहता तो आपको और ज़्यादा ये रिटर्न देता हुआ मिलता लगभग 50,000 से भी एबव का। तो ये होता है लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट, जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं आपको कंपाउंडिंग होता है, साथ साथ डिविडेंड भी मिलता है, अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन हैं। लेकिन आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना सॉलिड ये स्टॉक है कंपनी के बिजनेस पे आपको उतना ही पैनी नज़र रखना पड़ेगा। कोई भी गड़बड़ी आता है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से या कंपनी के बिजनेस में तो स्टॉक में गिरावट भी उतनी ही संभावना होती है जो स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जीरोधा के साथ ओपन कर सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो एंजल ब्रोकिंग सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा मार्जिन देता है, आप हमारे लिंक से एंजल ब्रोकिंग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ जीरोधा में चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं, जीरोधा और एंजल दोनों में आपको 20 रुपया पर ट्रेड चार्ज लगता है और इन डिलीवरी में आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी स्टॉक डिलीवरी में लेते हैं आपको कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ता है और इंट्राडे में सिर्फ 20 रुपीज पर ट्रेड आपको चार्ज लगेगा।